Hello students, in this video I am going to explain about matter. Okay, आप इस वीडियो में मैटर क्या है सीखने जा रहे हैं. ओके, तो आइए देखें मैटर किसे कहते हैं, समझे. और प्लीज आप मेरे इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, यानी फुल वीडियो देखें, तभी आपको मैटर एंड उसके काइंड्स के बारे में समझ में अच्छे से आएगा. ओके, तो आप जानिए सबसे पहले व्हाट इज मैटर. मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैज मास एंड वॉल्यूम. मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैज मास एंड वॉल्यूम. मतलब यह हुआ कि मैटर यानी द्रव्य, इसे हिंदी में द्रव्य कहते हैं, ठीक है. मैटर यानी द्रव्य वैसे पदार्थ यानी सब्सटेंस को कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ ना कुछ स्थान छेकता है. आप इसे ऐसे समझिए कि मैटर यानी द्रव्य हर वह चीज है जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है. उर्दू में वजन, हिंदी में द्रव्यमान एंड इंग्लिश में मास कहते हैं, ठीक है. तो हर वह चीज जिसका वजन यानी द्रव्यमान यानी मास होता है और जो कुछ ना कुछ स्थान छेकता है यानी जगह छेकता है, ओके, यानी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे मैटर यानी द्रव्य कहते हैं. और मैं बता दूं कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैटर नहीं है, यानी दुनिया की हर चीज मैटर है, क्योंकि दुनिया की हर चीज का कुछ ना कुछ मास होता है और वह कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है यानी जगह छेकता है, चाहे वह चीज छोटी हो या बड़ी हो, या हल्की हो या भारी हो, या विजिबल हो या इनविजिबल हो, या लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दुनिया की हर एक चीज मैटर है. ओके, समझ गए. अब आइए मैं बताऊं कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं, ठीक है. मैटर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट्स, यानी मैटर यानी द्रव्य के तीन अवस्थाएं हैं, यानी कि इसके थ्री स्टेट्स होते हैं. आपको पता भी होगा वो स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड को हिंदी में ठोस कहते हैं, लिक्विड को हिंदी में द्रव कहते हैं एंड गैस को गैस कहते हैं, ठीक है. तो आइए इसके तीनों स्टेट्स को समझें ये क्या है. ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊं सॉलिड किसे कहते हैं, ठीक है. सॉलिड इज अ मैटर, सॉलिड इज अ मैटर दैट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. मतलब ये कि सॉलिड यानी ठोस वैसे द्रव्य यानी मैटर को कहते हैं जिसका शेप हर जगह पे, शेप यानी रूप यानी शक्ल हर जगह पर एक जैसा होता है और इसका वॉल्यूम भी हर जगह पर एक जैसा होता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले ले बुक को, यानी किताब यानी पुस्तक, ठीक है. तो आप देखेंगे इसे कहीं पर भी आप रख दें, ठीक है, इसका शेप एंड वॉल्यूम बदलता नहीं है. यानी जिस जगह पर भी रख दें आप किसी बुक को यानी कि पुस्तक को, तो आप देखेंगे कि ना तो इसका शेप बदलेगा और ना ही इसका वॉल्यूम बदलेगा, यानी हर जगह पे एक ही जैसा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसकी शक्ल भी नहीं बदलेगा. तो बुक है या फिर पेन, ठीक है, कॉपी, गिलास, बकेट, ये सारी जितने मोबाइल, टेलीविजन, ये सारी जितनी चीजें हैं ये सब सॉलिड यानी ठोस का एग्जाम्पल है. अब आइए इसके दूसरे स्टेट को समझें जिसे लिक्विड कहते हैं, ठीक है. लिक्विड को हिंदी में द्रव कहते हैं, द्रव. ध्यान से आप एक चीज मैं बताऊं आपको, अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो
तो इसे द्रव्य कहते हैं, इंग्लिश इसकी मैटर होता है। और अगर आप इसे इस तरह से लिखेंगे तो इसे द्रव कहते हैं और इसकी इंग्लिश लिक्विड होता है, यानी कि ये मैटर हुआ एंड ये लिक्विड हुआ। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये द्रव्य है एंड ये द्रव है। ठीक है, द्रव्य की इंग्लिश मैटर है, द्रव्य की इंग्लिश लिक्विड है, जो आप देखिए मैटर यानी द्रव्य। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, मैं बता रहा था लिक्विड यानी द्रव के बारे में। तो लिक्विड इज अ मैटर दैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। यानी लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं रहता है, यानी फिक्स्ड शेप उसका फिक्स्ड नहीं रहता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। ठीक है, यानी अब जैसे कि लिक्विड का मैं एग्जांपल दूं, जैसे वाटर, मिल्क, सिरप, हनी, ये सब लिक्विड है यानी द्रव है। क्यों? इसलिए कि इसका शेप बदल जाता है, शेप यानी रूप बदल जाता है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलता है। तो फिर सवाल ये कि लिक्विड का शेप कैसा रहता है, तो मैं बता दूं, लिक्विड का शेप जिस बर्तन में यानी जिस कंटेनर में आप उसे रखेंगे उसी कंटेनर का शेप होता है लिक्विड का। जैसे वाटर का शेप कैसा होता है अब, ठीक है, तो वाटर का कोई शेप नहीं होता है, वाटर को जिस कंटेनर में यानी बर्तन में रखेंगे उस कंटेनर के जैसा शेप वाटर का हो जाएगा। तो वाटर, मिल्क, हनी यानी शहद, ये सब जिस कंटेनर में रहेगा उसका शेप ले लेगा। लेकिन याद रखिएगा, इसे जिस जगह पर भी आप रखेंगे जगह एक ही लेगा, यानी जगह बराबर बराबर लेगा। यानी कि अगर आप 1 लीटर मिल्क को जिस जगह पर भी रखेंगे वो इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यानी बराबर जगह छेकेगा। ठीक है, अब आइए मैं गैस के बारे में समझाऊं। गैस क्या है? तो गैस इज अ मैटर दैट हैज नॉट फिक्स्ड शेप एंड आल्सो नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब ये कि इसका ना तो शेप फिक्स्ड रहता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। ये जस्ट सॉलिड का अपोजिट है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ सॉलिड। आपने देखा सॉलिड में दोनों चीज फिक्स रहता है एंड गैस में दोनों ही चीज फिक्स नहीं रहता है। तो फिर इसका शेप कैसा रहता है? तो इसे भी जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेता है। और गैस के साथ मामला यह है कि इसे जहां पर भी रखेंगे जितनी जगह देंगे वो फैलता रहेगा। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? गैस है। क्यों? इसलिए कि इसका ना तो शेप फिक्स्ड है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। इसे जिस कंटेनर में रखेंगे कंटेनर का शेप ले लेगा और साथ में इसे जितनी जगह देंगे फैलता ही जाएगा, फैलता ही जाएगा। इसलिए इसे हम कहते हैं गैस। तो मैंने आपको समझा दिया इसके ऑल 3 स्टेट्स को। ठीक है, यानी मैटर के ऑल 3 स्टेट्स को मैंने समझा दिया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं मैटर के टाइप के बारे में। ठीक है, मैटर के टाइप यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज वर स्टेट्स ऑफ मैटर, बट नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर इज ऑफ 2 टाइप्स, यानी मैटर के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, आइए देखें, बोर्ड पे लिखा है, यहां देखिए, फर्स्ट टाइप इज सब्सटेंस, जिसे हिंदी में पदार्थ कहते हैं, एंड सेकेंड टाइप इज मिक्सचर, जिसे हिंदी में मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मैटर के ये 2 टाइप्स हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब सवाल ये होता है कि किस मैटर को आप सब्सटेंस कहेंगे एंड किस मैटर को आप मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, तो आप यहां देखिए, सब्सटेंस को एक और भी नाम मैंने दे रखा है, मतलब कि लिखा है प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। देखिए, यानी सब्सटेंस इज प्योर मैटर एंड मिक्सचर इज इम्प्योर मैटर। यानी आपको पता करना है कि मैटर में कौन प्योर है एंड मैटर में कौन इम्प्योर है। अगर मैटर प्योर है तो वो सब्सटेंस कहलाएगा, जिसे हिंदी में पदार्थ कहते हैं, एंड अगर मैटर इम्प्योर है तो उसे मिक्सचर कहेंगे, जिसे हिंदी में मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे कि मैटर प्योर है या फिर इम्प्योर है, मैटर प्योर है या फिर इम्प्योर है? तो आइए जाने, जैसे मैं ले लूं शुगर, ठीक है, एंड ले लूं साल्ट। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं ओनली शुगर का, सिर्फ शुगर। तो शुगर इज शुगर, शुगर प्योर होता है, शुगर में किसी तरह की मिलावट या एडल्ट्रेशन नहीं होता है। तो सिर्फ अगर बात करें शुगर, ओनली शुगर, तो इट इज प्योर। उसी तरह से अगर हम बात करें ओनली साल्ट,
सिर्फ साल्ट की बात करें तो इट इज प्योर, क्योंकि साल्ट में कुछ नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, शुगर में भी कोई मिलावट नहीं, अभी दोनों को मैंने मिलाया नहीं है, मिक्स नहीं किया, ठीक है। तो दोनों क्या है, दोनों प्योर है, बोथ आर प्योर, दोनों ही का दोनों शुद्ध है, ठीक है। तो इसलिए शुगर हो या साल्ट हो, ये दोनों प्योर है, तो जब प्योर है तो ये कहलाएगा सब्सटेंस। मतलब ये कि शुगर साल्ट वाटर ब्लड ये सारी चीजें प्योर होती है, इसलिए ये सब्सटेंस यानी पदार्थ के उदाहरण है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, दोनों को मिला देता हूं, यानी कि शुगर एंड साल्ट को मिला देता हूं, ठीक है, साल्ट को शुगर के साथ और शुगर को साल्ट के साथ मिला देता हूं, तब ये क्या हो गया, तब ये इम्प्योर हो गया, दोनों मिल गया, मिलावट हो गया, इम्प्योर हो गया, तो अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा मिक्सचर यानी मिश्रण। फिर एक और एग्जाम्पल दूं मैं आपको और एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैं वाटर ले लेता हूं, वाटर एंड शुगर, ठीक है, अलग अलग, तो वाटर अलग है, शुगर अलग है, वाटर वाटर है यानी ये प्योर है, वाटर में कोई और चीज नहीं मिला हुआ है, शुगर शुगर है, शुगर में मैंने साल्ट को नहीं मिलाया है, तो ये दोनों प्योर है, इसलिए ये सब्सटेंस कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। लेकिन जैसे ही वाटर में शुगर को ऐड कर दूं, ऐड, ठीक है, तो जब ये दोनों जब मिल जाएगा तब ये प्योर नहीं कहलाएगा, इम्प्योर कहलाएगा, तब ये मिक्सचर कहलाएगा, मिक्सचर, समझ गए। उसी तरह से मैं एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे कि गोल्ड, तो गोल्ड क्या है, प्योर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गोल्ड में हम कॉपर मिला देंगे और कॉपर मिला करके ऑर्नामेंट बना देते, आपको पता है कि गोल्ड हार्ड होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि उससे ऑर्नामेंट बनाना है, जेवर बनाना है, तो गोल्ड में किसी तरह का शेप देना होता है, शेप देंगे तभी तो ऑर्नामेंट जेवर बनेगा, तो उसमें कॉपर मिलाना होता है, आपको पता होगा कॉपर जब मिलाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है और तब उसमें एक शक्ल यानी कि एक रूप देते हैं। तो मतलब ये हो गया कि गोल्ड में कोई मिलावट नहीं है, इसलिए वो सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही गोल्ड के साथ कॉपर मिला दिया एंड तब ऑर्नामेंट यानी जेवर यानी आभूषण बना दिया, तब वो आभूषण यानी जेवर यानी कि ऑर्नामेंट क्या हो जाएगा, तो वो मिक्सचर हो जाएगा। मतलब ये कि गोल्ड इज प्योर, देन गोल्ड विल बी कॉल्ड सब्सटेंस एंड ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड विल बी कॉल्ड मिक्सचर, ओके। यानी मिलावट वाली अगर चीज है तो मिक्सचर कहलाएगा, और अगर मिलावट नहीं है, सिंगल है, ठीक है, तो वो कहलाएगा सब्सटेंस कहलाएगा, दैट्स ऑल। तो मैंने आपको बता दिया, सब्सटेंस इज प्योर मैटर एंड मिक्सचर इज इम्प्योर मैटर, यानी कि वाटर या शुगर या सॉल्ट, ये सब एग्जांपल हैं सब्सटेंस के, लेकिन अगर इसको मिला दीजिएगा तब वो हो जाएगा मिक्सचर, ठीक है, यानी इम्प्योर मैटर हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़े, यहां देखिए मिक्सचर is of two types, mixture is also of two types, first homogeneous mixture जिसको समांग मिश्रण कहते हैं, and second non homogeneous mixture जिसको विषमांग मिश्रण कहते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपके सामने दो तरह के मिक्सचर का एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक मिक्सचर है वाटर एंड शुगर का, ठीक है, और एक मिक्सचर है शुगर एंड सॉल्ट का, देख लीजिए। तो देखिए यहां पर क्या है, वाटर एंड शुगर ये भी इम्प्योर मैटर हो गया यानी मिक्सचर है, शुगर एंड सॉल्ट ये भी इम्प्योर मैटर हो गया यानी ये भी मिक्सचर है, दोनों मिक्सचर के एग्जांपल हैं, ठीक है। लेकिन वाटर में जब शुगर डालेंगे तो शुगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यानी बराबर बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। जब हम शुगर को यानी चीनी को पानी में डालते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि पानी में चीनी कहीं पर ज्यादा रहेगा और कहीं पर कम रहेगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि जब चीनी को पानी में मिला देते हैं पूरी तरह से और जब आप टेस्ट करते हैं, चखते हैं, तो आप देखते होंगे कि हर जगह पे यानी जहां पर कभी हिस्सा उठाकर आप टेस्ट करेंगे यानी जबान पर रखेंगे तो आपको हर जगह पर मिठास यानी स्वीटनेस आपको इक्वल फील होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कम मीठा लगेगा कहीं पर ज्यादा, इससे पता चलता है कि चीनी जब पानी में घुल जाता है तो इक्वली वो बढ़ जाता है, चाहे चीनी कितना भी हो, इससे मतलब नहीं है कि उसमें 5 ग्राम है कि 10 ग्राम है, कितना भी ग्राम हो, क्योंकि आपको बता दें कि मिक्सचर में जो भी चीजें मौजूद होती हैं उसका रेशियो फिक्स्ड नहीं रहता है, उसका अनुपात नहीं रहता है, ठीक है। चाहे आप जितना भी ले लें, 5 ग्राम शुगर ले लें,
10 ग्राम वाटर ले लें या 5 या फिर 10 ग्राम शुगर ले लें, 30 ग्राम वाटर ले लें, जितना भी ले लें, बस दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल गई, ठीक है, तो मिलने से जो तैयार हुआ इम्प्योर सब्सटेंस तो वो कहलाएगा मिक्सचर। तो मैं बता दूं कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं, मैं समझा रहा था आपको कि अगर शुगर को अगर वाटर में डाल देते हैं तो वो एकदम बराबर बराबर शुगर पानी में बढ़ जाएगा, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि होमो का मतलब ही होता है एक जैसा, ठीक है, होमोजे। और लेकिन आप शुगर एंड सॉल्ट या सॉल्ट एंड शुगर को मिलाएंगे तो कभी भी वह बराबर बराबर नहीं बटेगा, ठीक है, यानी कि एकदम इक्वली दोनों मिक्स नहीं होगा, कहीं पर शुगर ज्यादा हो जाएगा, कहीं पर सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरह के मिलावट वाले मिश्रण को हम कहते हैं नॉन होमोजेनियस मिक्सचर, समझ गए। तो ये सब जो है एग्जांपल हुआ। तो अब जैसे मान लीजिए कि आप सॉल्ट एंड सैंड को मिला दें तो वो भी नॉन होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब उसी तरह से आइए जाने सब्सटेंस के कितने टाइप होते हैं, तो सब्सटेंस इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो हम कब हम प्योर मैटर यानी सब्सटेंस को एलिमेंट कहेंगे एंड कब हम प्योर मैटर यानी सब्सटेंस को कंपाउंड कहेंगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये जानिए कि एलिमेंट है या कंपाउंड है, दोनों प्योर मैटर होना चाहिए, दोनों प्योर मैटर होना चाहिए। तो आइए मैं समझाऊं, देखिए अब जैसे यहां पर ले लीजिए वाटर, ठीक है, वाटर, या सबसे बेहतर होगा आपको पता होगा वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, मालूम है, ये वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है, एंड मैंने ले लिया O2, ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, ठीक है, इट इज फॉर्मूला ऑफ वाटर एंड इट इज ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए ये वाटर है, ठीक है, एंड आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वाटर प्योर होता है, वाटर प्योर होता है क्योंकि वाटर में कुछ भी मिला नहीं रहता। अब आप सोचेंगे कि वाटर में कुछ मिला हुआ नहीं है फिर भी हम यहां लिख रहे हैं H2O, H means आप जानते होंगे हाइड्रोजन एंड O means ऑक्सीजन, तो अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर में तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो फिर वाटर प्योर कहां हुआ, ये तो इम्प्योर हो गया, लेकिन नहीं, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये ठीक है, लेकिन है नहीं बल्कि वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ है, यानी वाटर में आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी नजर नहीं आएगा, ठीक है कि वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना है बट वाटर में हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, यानी कि वाटर में हाइड्रोजन की मिलावट नहीं है बल्कि वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ है, यानी वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का करैक्टर आपको दिखाई नहीं देगा। कैसे, मैं एक एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है एंड इससे बना वाटर एक लिक्विड है, इससे साफ पता चलता है कि वाटर एक अलग चीज है, मतलब न्यू थिंग है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक अलग चीज है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वाटर प्योर होता है। और ये ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी प्योर है क्योंकि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है या उसके साथ नाइट्रोजन नहीं है, मतलब कि ऑक्सीजन भी प्योर है और यहां वाटर भी प्योर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर आप देखिए एक से ज्यादा तरह की चीज है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो अगर एक से ज्यादा चीज मिलकर के बना है वो, और वो प्योर भी है, एक से ज्यादा चीज से मिलकर बना है और वो प्योर भी है, तब कहलाएगा कंपाउंड, क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, यानी वाटर क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड। अब ये क्या है, ये आप देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन के अलावा कुछ और नहीं है, जैसे इसमें देखिए ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन भी है लेकिन इसमें ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया एलिमेंट, क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्योर है और सिंगल है, प्योर है एंड सिंगल है तो एलिमेंट होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आयरन, आयरन, आयरन में आयरन ही है तो आयरन क्या कहलाए, आयरन प्योर है और वो एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कॉपर, कॉपर में सिर्फ कॉपर है तो कॉपर क्या है, एलिमेंट है क्योंकि प्योर है। उसी तरह से ले लीजिए गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जितना भी नाम ले रहे हैं वो सिंगल है, इसमें कोई और चीज नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये प्योर भी है और प्योर में एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम नाम ले लें वाटर, तो वाटर प्योर है बट उसमें हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो चीज से मिलकर बना है, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी प्योर है,
कार्बन डाइऑक्साइड भी प्योर है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्योर है, प्योर यानी ये सब्सटेंस है। सब्सटेंस में कौन सा एलिमेंट? नो, क्यों? इसलिए कि इसमें एक से ज्यादा तरह की चीज है, कार्बन भी है एंड ऑक्सीजन भी है, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया कंपाउंड। समझ में आ रही बात? उसी तरह से और भी एग्जांपल दूं, जैसे आपको पता होगा मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, मालूम होगा। तो मीथेन में कार्बन है ना हाइड्रोजन है, तो मीथेन क्या हुआ, मीथेन प्योर है, मीथेन में मीथेन होता है, मीथेन गैस में कुछ और नहीं होता है, इसलिए मीथेन जो है वो क्या हो गया, प्योर तो हो गया और एक से ज्यादा चीज है, इसलिए क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया, यानी जिसको हिंदी में यौगिक कहते हैं। याद रखिएगा, कंपाउंड के हिंदी में यौगिक एंड एलिमेंट को कहते हैं तत्व। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं, जैसे एयर पूछा जाए कि एयर क्या है, एयर एयर क्या है, यानी कि सब्सटेंस है कि मिक्सचर है, तो एयर मिक्सचर है, क्यों? क्योंकि एयर में एक से ज्यादा चीजें हैं, मिलावट है, एयर एक गैस है ना, उस गैस में कई गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, तो मतलब ये हो गया कि एयर इज मिक्सचर। मगर अगर हम बात करें सिर्फ एयर में सिर्फ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन क्या है, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, मैंने पहले ही बताया कि ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट, समझ गए। उसी तरह से ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन की बात करें तो सिर्फ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब सिंगल, इसमें सिंगल मैटर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट। जैसे ही ये एक से ज्यादा चीज में रहेगा तो वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा, कंपाउंड, मगर शर्त ये कि प्योर होना चाहिए, समझ गए। तो याद रखिएगा कि अगर प्योर मैटर है तो सब्सटेंस, इम्प्योर मैटर है तो मिक्सचर। इम्प्योर में टू काइंड्स होते हैं, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस के मिक्सचर में कंपोनेंट्स इक्वली बटे होते हैं, नॉन होमोजेनियस में कंपोनेंट्स इक्वली बटे नहीं होते हैं। और एलिमेंट एंड कंपाउंड में मैंने बताया कि अगर प्योर है, प्योर में एक से ज्यादा तरह की चीजें हैं तो फिर वो कंपाउंड कहलाएगा, अगर एक ही तरह की चीजें हैं तब वो एलिमेंट कहलाएगा, समझ गए। जैसे कि आपका कॉपर, जैसे कि आयरन, जैसे कि गोल्ड, ये सब एलिमेंट के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब मैं बताऊं, मैं आपको सिर्फ मैटर के बारे में नहीं बताया बल्कि मैटर के स्टेट के बारे में बताया, लिक्विड सॉलिड गैस, उसके बाद मैटर का काइंड सब्सटेंस एंड मिक्सचर, फिर मिक्सचर के काइंड, फिर सब्सटेंस के काइंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब मैं बताने जा रहा हूं एलिमेंट के काइंड के बारे में। देखिए कैसे कैसे चला है, मैटर के दो काइंड सब्सटेंस एंड मिक्सचर, फिर सब्सटेंस के दो काइंड एलिमेंट एंड कंपाउंड, फिर एलिमेंट के दो काइंड मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। सब्सटेंस के दो काइंड एलिमेंट एंड कंपाउंड, एंड एलिमेंट के दो काइंड मेटल एंड नॉन मेटल, यानी एलिमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल को हिंदी में कहते हैं धातु, एंड नॉन मेटल को हिंदी में कहते हैं अधातु। अब आपको जानना है कि किस एलिमेंट को, किस एलिमेंट को मेटल कहेंगे यानी धातु, एंड किस एलिमेंट को नॉन मेटल कहेंगे यानी अधातु, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको जानना है कि मेटल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले ये जानना होगा कि एलिमेंट कौन है, क्योंकि मेटल हो या नॉन मेटल हो उसको एलिमेंट होना जरूरी है। अगर अगर कोई कोई ऐसी किसी ऐसी चीज का नाम लिया जा रहा है जो एलिमेंट नहीं है, यानी कि वो मान लीजिए वो एलिमेंट नहीं है, यानी कंपाउंड है या मिक्सचर है, तो मिक्सचर या कंपाउंड कभी भी एलिमेंट नहीं होता है, मिक्सचर या कंपाउंड कभी भी मेटल या नॉन मेटल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेटल या नॉन मेटल टाइप है एलिमेंट का, तो जब भी मेटल या नॉन मेटल होगा वो क्या होगा, वो एलिमेंट, एलिमेंट में ही उसकी काउंटिंग होगी, ठीक है। तो आइए जाने मेटल या नॉन मेटल किस तरह के एलिमेंट को कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि उसको एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आपको मेटल के कुछ कैरेक्टर, वैसा एलिमेंट जैसे मेटल का कुछ कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को जानना होगा। उस कैरेक्टर को जैसे आप जान लीजिएगा, समझ जाइएगा वो मेटल है, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर ये है मेटल का कि उसको एलिमेंट होना चाहिए यानी तत्व। अगर एलिमेंट नहीं है यानी कंपाउंड है या मिक्सचर है तो वो कभी भी मेटल या नॉन मेटल नहीं होगा। सबसे पहला उसका कैरेक्टर है कि उसको एलिमेंट होना चाहिए यानी तत्व होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे कि अब आइए कैसे जानेंगे कि उस तत्व में यानी कि एलिमेंट्स में कौन मेटल और कौन नॉन मेटल है। तो आइए जाने, जैसे मान लीजिए कि आप, एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, जैसे आपके सामने मान लीजिए, जैसे आपके आंख को बंद कर दिया जाए, कहा जाए कि आप अपने आईज को क्लोज कर लीजिए और आपके सामने रख दिया जाए
एक आइस का टुकड़ा रख दिया जाए, यानी बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए, और एक वैसी चीज रख दिया जाए जो ठंडी चीज नहीं है, ठीक है, और आंख बंद करके कहा जाए उसको छू कर बताइए बर्फ कौन है। तो आप जब छूएगा उस दोनों में तो आप जो ठंडा लगेगा आप बता दीजिएगा कि हाँ ये तो बर्फ है। तो क्यों बता दीजिएगा, आंख तो बंद है आपकी, कैसे बता दिया कि बर्फ है? क्योंकि आपको बर्फ का करेक्टर पता है कि वो ठंडा होता है। तो उसी तरह से मेटल का करेक्टर आपको मालूम अगर हो जाए तो फौरन बता दीजिएगा कि वो मेटल है। आइए जाने मेटल का करेक्टर क्या है। सबसे पहला करेक्टर तो ये है कि मेटल हम उस एलिमेंट को कहते हैं जिसको खींचने से हम उसे वायर में बदल सकते हैं, वायर खींच करके वायर में बदल सकते हैं, जैसे खींच करके वायर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो एक करेक्टर तो ये हो गया। तो इस करेक्टर को बोलते हैं डक्टिलिटी, इस करेक्टर को, यानी कि मेटल के इस करेक्टर को डक्टिलिटी बोलते हैं। तो अगर एलिमेंट में डक्टिलिटी है यानी उसको खींच करके वायर में बदल सकते हैं तो समझ जाइए कि वो मेटल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आयरन, जैसे कि एल्युमिनियम, जैसे कि कॉपर, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जैसे गोल्ड सिल्वर, ये सब एग्जांपल है मेटल्स के। क्यों? क्योंकि इसको खींच करके हम वायर में बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब पूछा जाए ब्रास, ब्रास क्या, ब्रास यानी पीतल, पीतल को भी तो खींच के वायर में बदल सकते हैं, तो हाँ वायर में बदल सकते हैं, ठीक है, पीतल को। मगर पीतल को हम तत्व यानी एलिमेंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पीतल में एक से ज्यादा चीज मिली हुई होती है। पहले ही मैंने बता दिया कि उसको सिंगल होना चाहिए तभी तो वो एलिमेंट होगा, एलिमेंट होगा तभी उसके टाइप्स दो होंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। जैसे स्टील, स्टील को भी खींच करके हम वायर बना सकते हैं, उसको हम मेटल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्टील जिसको हिंदी में इस्पात कहते हैं वो मिश्रण है यानी मिक्सचर है, उसमें एक से ज्यादा चीजें हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट मिक्सचर या एलिमेंट को मिक्सचर या कंपाउंड नहीं होना, मेटल या नॉन मेटल कभी भी मिक्सचर या कंपाउंड नहीं होता। सबसे पहले एलिमेंट, पहला करेक्टर तो यही है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उसको खींच करके तार में बदल सकते हैं तो वो मेटल हो सकता है। दूसरा करेक्टर ये है कि उसको पीट करके हथौड़े से या किसी भी तरह से पीट करके उसको चदरे में यानी शीट में बदल सकते हैं, तब समझ जाइए वो हो सकता है कि मेटल हो, समझा। जैसे कि आप देखिए, जैसे लोहा, मतलब आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसको भी पीटिएगा तो पीट के उसको शीट में यानी चदरे में बदल सकते हैं, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी को हिंदी में आघात वर्धनता कहते हैं, ठीक है, और डक्टिलिटी को हिंदी में तन्यता कहते हैं, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये दो हो गया। तीसरा है इसका करैक्टर कि मेटल हार्ड होता है, वेरी हार्ड, ठीक है, मेटल इज वेरी हार्ड। तो अगर आप देख लिया कि एलिमेंट है और वो हार्ड है तो समझ जाइए कि वो मेटल हो सकता है, ठीक है। जैसे आयरन, ये सब हार्ड है, मतलब आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, हार्ड ही है ना। अब ये है कि एल्युमिनियम भी हार्ड है बट कम हार्ड है, कोई ज्यादा हार्ड होगा, कोई कम हार्ड होगा। अब सब तो एक जैसा हार्ड तो नहीं होगा, सब में हार्डनेस एक जैसा तो नहीं होगा, मगर हार्ड सभी होगा, कम हो या ज्यादा हो। तो अगर हार्डनेस है वो हार्ड है तो समझ जाइए कि वो मेटल हो सकता है, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया, हिंदी में भी बता रहा हूं मैं आपको, ताकि हिंदी के स्टूडेंट को समझ में आ जाए। जैसे मैंने बताया कि मैलिएबिलिटी को आघात वर्धनता बोलते हैं, और डक्टिलिटी को तन्यता बोलते हैं, हार्डनेस को कड़ापन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया तीन करैक्टर। चौथा करैक्टर ये है कि इसमें, यानी कि अगर उसमें एक खास तरह की चमक होती है, खास तरह की चमक जिसको हम लस्टर कहते हैं, लस्टर जिसको हम मेटालिक लस्टर भी कहते हैं। तो वैसा एलिमेंट जिसमें खास तरह की चमक हो यानी लस्टर हो, तो फिर समझ जाइए कि हो सकता है कि वो मेटल हो। जैसे कि आप देखिए, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये सब में क्या है, खास तरह की चमक होती है। अब सबकी चमक एक जैसी नहीं होगी बट चमक होती है, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो मेटल है। फिर उसके बाद एक कैरेक्टर और है कि अगर वैसा एलिमेंट जिसको पटकने से, ठीक है, पटकने से किसी खास तरह की आवाज हो यानी ध्वनि हो यानी साउंड हो, ठीक है, स्पेशल साउंड हो, तो समझ जाइए कि वो मेटल हो सकता है। जैसे लोहा को पटकेगा तो टन झन इस तरह की आवाज होगी, तो मतलब ये कि मेटल में एक खास तरह का साउंड होता है, ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर है। उसके बाद जाकर के आपको एक और भी कैरेक्टर है कि कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ हीट या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, जिसको हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब विद्युत की सुचालकता, कंडक्शन ऑफ हीट यानी ऊष्मा की सुचालकता, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक यानी विद्युत की सुचालकता। सुचालकता यानी कंडक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके एक एंड को अगर हम मान लीजिए गर्म कर रहे हैं तो दूसरा एंड भी गर्म हो, या एक एंड पे अगर मान लीजिए, एंड मतलब छोर, एक छोर पर अगर हम करंट दे रहे हैं यानी विद्युत दे रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक दे रहे हैं और वो दूसरे एंड पे भी पहुंच जाए, तो समझ जाइए कि वो मेटल हो सकता है। जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, इसके एक छोर को, जैसे मान लीजिए कि
जैसे मान लीजिए कि ये कॉपर है, ठीक है। अब कॉपर को यहाँ पर आप गर्म कीजिएगा या यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक दीजिएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक या हीट यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब उसके दूसरे, यानी यहाँ पर अगर आप गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो फिर समझ जाइए कि वो मेटल है, ठीक है। यानी मेटल की खूबी यह है कि उसके एक एंड को अगर गर्म करते हैं या उस पर करंट देते हैं तो उसकी गर्मी या यानी हीट या फिर करंट दूसरे एंड पे पहुंच जाता है, तो ये मेटल की सब खूबी है, ठीक है, जिसको कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। उसके बाद और भी है, जैसे कि रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर मेटल सॉलिड में होता है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड मेटल में हो, मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में होता है, सॉलिड में, समझ जाइए। तो अगर रूम टेम्परेचर पर मेटल सॉलिड में है तो समझ जाइए कि वो मेटल है, ठीक है। उसके बाद और भी है, दो मोस्ट टू करेक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो ये है कि मेटल मेटल में एक खूबी यह है कि वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है, मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है, ठीक है। और एक और करेक्टर उसका यह है कि मेटल, आपको पता होगा मेटल कोई भी मेटल आइटम का बना होता है, ठीक है, और आइटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन छोड़ करके, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, आपको पता होगा। तो अगर मेटल के आइटम में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी ऐसा एलिमेंट जिसके आइटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे आइटम के पास चला, दूसरे आइटम के पास जा सकता है, ठीक है, यानी कि वैसा एलिमेंट जिसके आइटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के आइटम के पास जा सकता है, मतलब कि ऐसा एलिमेंट जिसका आइटम इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो इस तरह क्या करेक्टर अगर किसी एलिमेंट में है तो समझ जाइए कि मेटल है, ठीक है। मगर आपको जैसे जितना भी एग्जांपल आपको दिया मैंने, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है, ये सब आपको मेटल के एग्जांपल से, मगर आपको कुछ एक्सेप्शन भी है, मैं बता दूं आपको। मैंने पहले बताया कि मेटल हार्ड होता है, लेकिन कुछ मेटल ऐसा भी है जो हार्ड नहीं होता है, हार्ड नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, फिर भी वो मेटल है, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, ये वैक्स की तरह यानी मोम की तरह मुलायम होता है, फिर भी हम इसको मेटल के लिस्ट में रखते हैं, क्यों भाई, क्योंकि दो करेक्टर को आपको याद रखना है, जो ऐसा है कि जो सारे मेटल में होता ही होता है, श्योर है, वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन लूज करने का करेक्टर, और दूसरा एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाने का करेक्टर। तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट है, फिर भी मेटल क्यों है, क्योंकि ये एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करने का करेक्टर इसमें है, ये दो करेक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाकी करेक्टर किसी मेटल में होता भी है और किसी में नहीं भी होता, ठीक है। फिर एक और मैं बता दूं कि रूम टेम्परेचर पर मैंने आपको बताया कि मेटल सॉलिड होता है, लेकिन एक मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता, लिक्विड होता है, और वो है मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं, लिक्विड है, फिर भी आप कहेंगे कि ये मेटल क्यों है, बस वही बात कि इसलिए है क्योंकि वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है और वो इलेक्ट्रॉन खोने का उसमें वो करेक्टर है, विशेषता है, ठीक है। तो यही दो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है। अब आप बोलेंगे कि नॉन मेटल क्या है, तो नॉन मेटल समझ जाइए मेटल का अपोजिट है, यानी जो बातें मेटल में होती हैं वो नॉन मेटल में नहीं होती है, ठीक है। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट अपोजिट कर लीजिए आप। लेकिन आपको मैं बता दूं कि नॉन मेटल में भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, कुछ नॉन मेटल ऐसा है जो नॉन मेटल है बट करेक्टर उसका कुछ मेटल वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, डायमंड नॉन मेटल है, जबकि वो हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट, मतलब कि इट इज द हार्डेस्ट, यानी सबसे हार्ड होता है, इससे हार्ड कोई नहीं होता। तो जब इतना हार्ड है तब तो उसको मेटल होना चाहिए, क्योंकि मेटल इज हार्ड, ठीक है। तो ये नॉन मेटल क्यों है, इसलिए है क्योंकि डायमंड एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता है, ठीक है। उसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे ले लीजिए ग्रेफाइट, आपको मैंने पहले बताया कि मेटल में गुड कंडक्टिविटी होती है, गुड कंडक्शन होता है, ठीक है, और यही गुड कंडक्शन ग्रेफाइट में भी होता है। तो ग्रेफाइट को तो मेटल होना चाहिए बट वो नॉन मेटल है, क्यों, इसलिए क्योंकि ग्रेफाइट, फिर वही बात, हाइड्रो एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, हाइड्रो नहीं देता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता है। ग्रेफाइट तो आप देखा होगा, पेंसिल का जो ब्लैक पॉइंट होता है वही ग्रेफाइट है, ठीक है, वो ब्लैक कलर का होता है और ये कार्बन का एक फॉर्म है, यानी रूप है, शक्ल है। तो इस तरह से ये सब क्या एक्सेप्शन है। उसी तरह से मैं बताऊं कि जितना भी नॉन मेटल है वो सब या तो गैस के फॉर्म में होता है और या फिर सॉलिड के फॉर्म में होता है, यानी लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता है। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, वो है ब्रोमीन है। तो मतलब ये कि क्यों,
आखिर ये इसमें ब्रोमीन लिक्विड में है तो फिर ये क्यों है नॉन मेटल? तो वही वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, हाइड्रोजन नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, ठीक है। फिर एक और मैं बताऊं कि मेटल में लस्टर होता है, नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता है, यानी नॉन मेटल में चमक नहीं होती है, मगर एक नॉन मेटल ऐसा है जिसमें चमक होती है और वो है आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन में लस्टर है, चमक है, तो मेटल होना चाहिए, तो ये नॉन मेटल क्यों है? बस वही बात, नॉन मेटल इसलिए क्योंकि वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, हाइड्रोजन नहीं देता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता है। तो मैं आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जो भी मैंने आज इस वीडियो में जो भी मैं आपको आपको मैंने समझाया पार्टिकुलर सभी पे, सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, जितना भी टॉपिक है सब पर मैंने पहले भी एक ऑडियो वीडियो मैंने भेजा है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह से आज इस वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पहले भी इस टॉपिक पे मैंने भेज चुका हूँ और उसे भी आप देख लीजिए। और इस वीडियो में पहले का जो वीडियो है इस टॉपिक पर, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में जरूर आएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस वीडियो को काइंडली प्लीज आप पूरा देखें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। मैं इस लॉकडाउन में वीडियो बना रहा हूँ आप स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप घर रह करके पढ़ाई करें, आपकी पढ़ाई सफल ना हो, लेकिन अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर मेरे इतने मेहनत करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो आप ज़रूर इस मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, और कहीं पर अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो समझ में आता है तो फिर आप लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको आप शेयर कर दें, ताकि सारे स्टूडेंट्स देखें, चाहे वो किसी भी स्कूल के स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इज स्टूडेंट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।